छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की चमक से अलग सादगी लपेटे बस्तर। रायपुर से 6 घंटे का मुश्किल सफर कर वहां पहुंची समय की टीम। कहते हैं कि बस्तर की मैना तो बोलती है लेकिन इंसान नहीं। महज इस ओर रुख करने से ही जहन में कौन जाती है नक्सली वारदातों की तस्वीर, जिसमें छुपी है गोलियों की गड़गड़ाहट, बारूद की बू, दुर्गम इलाका। कहते हैं यहां कदम संभाल कर रखिए, कहीं अगला कदम लैंडमाइन पर ना पड़ जाए। तमाम मुश्किलों के बाद भी समय की टीम ने बस्तर जाने का इरादा किया, क्योंकि बस्तर सिर्फ दहशत नहीं दिलकश खूबसूरती का भी नाम है, जिसे शायद ही किसी ने आप तक पहुंचाया होगा। हमने अपने कैमरे में समेटे वो खूबसूरत पल और नजारे, जिन्हें देख बस्तर से आपको प्यार हो जाएगा। तो हमारा सफर अब यहाँ पर शुरू होता है, उत्तर बस्तर में कोनगुड़ की तरफ हम जा रहे हैं। ये गेट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये रास्ता उस तरफ जाता है, उन गांव में जाता है जहाँ पर एक गांव नक्सलियों का दलम कहा जाता है, और उस जगह पर टूटे हुए स्कूल आपको मिलेंगे। और उस स्कूल की एक दिलचस्प तस्वीर हमारी पूरी टीम की तरफ से कोशिश होगी वो पेश करने की। संजीव मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं छत्तीसगढ़ को, उत्तर बस्तर को, सीधी रिपोर्टिंग करते हैं, कोई भी घटना होती है तुरंत वहां पर पहुंचाते हैं। तो संजीव के साथ हम अंदर जाएंगे कोनगुड़ और देखेंगे उन टूटी हुई बिल्डिंग्स को और स्कूल को। चलिए संजीव। हम आगे बढ़ रहे हैं और इंटीरियर में जा रहे हैं इस गांव के, और देख रहे हैं कि इस गांव का ज़रा करीब से नज़ारा भी आपको करवाएंगे कि बच्चे नहा रहे हैं, खुश हैं। लेकिन एक ऐसी बात कि ज़रा सा खौफ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पूरे पूरे गांव जो हैं वो नक्सलियों के बताए जाते हैं। संजीव जी, आप बताइए ज़रा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं और यहाँ पर ये कौन सी नदी है? जी, ये बारदा नदी है यहाँ पे, और जो नक्सली जो गढ़ है जिसको गढ़ भी कहा जाता था, और ये कोनगुड़ का इलाका है। अच्छा। जहाँ पे एक दलम हुआ करता था, कोनगुड़ के दलम के नाम से फेमस था, जिसका अच्छा। काफी खौफ हुआ करता था। पुलिस और सुरक्षा बल भी इस खौफ से डरा करते थे। हाँ। जो कि अब धीरे धीरे वहाँ पे अब नक्सलियों जो खौफ है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने लगे हैं, स्कूल भी हैं इधर? जी हाँ, जब से कुछ सालों में जरूर विकास हुआ है और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और स्कूल भी खुल रहे हैं, और कुछ अभी देख रहे हैं हम लोग कि कुछ पुल पुलिया भी नए बने हैं, तो जिससे कि आने जाने का जो साधन है वो भी अब पहले से बेहतर हुआ है। अच्छा, तो संजीव इस बात को माने कि ये जो हम जिस रोड पर चल रहे हैं, ये रोड अभी पक्की बनने वाली है, तो इसके पीछे किसकी मेहनत होगी? और दूसरा ये कि क्या ये चुनौती नहीं होगी नक्सलियों के लिए कि उन्हीं के गढ़ में आकर इस तरह से रोड बनाना? और पहले क्या था कि पहले पगडंडी सी हुआ करती थी? जी, जो पहले ये पगडंडी थी और ये बरसात के दिनों में इसका रास्ता जो था हमेशा बंद हो जाता था। जिला प्रशासन ने कुछ पहल की है कि ग्रामीणों को अपने उसमें विश्वास में लिया है, और विश्वास में के लेने के बाद ये रोड बना है। और जो नक्सलियों के लिए भी चुनौती है कि अगर वो रोड बनती है तो अगर पुलिस हो या DRG की जो टीम है वो लगातार इन इलाकों में आएगी तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो खौफ है इस इलाके में कम होगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं क्लास में। अच्छा, तुम कौन सी क्लास में हो? 8वीं। अच्छा, पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ने में। जी। पढ़ के क्या बनोगे, क्या सपना है? पुलिस वाले बनोगे? जी। और तुम? डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे या पुलिस वाले बनोगे? डॉक्टर बनोगे। क्यों डॉक्टर क्यों बनोगे? ये बच्चे हैं, ये अभी फिलहाल अपने नहाने में मस्त हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए, मैं बहुत घने जंगलों में इधर आई हूँ, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। ये नदी, ये वाली नदी कौन सी, चलो ये बता दो। बारदा नदी। बारदा नदी जी। कौन सी नदी है? बारदा। बारदा नदी है, उस पर ये बच्चे नहा रहे हैं मस्त होकर। मैंने इनसे पूछा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, एक ने बोला 7वीं में, एक ने बोला 8वीं में। समझ जाइए शिक्षा इनके पास पहुँच रही है, मेहनत रंग ला रही है, कई NGOs, कई संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं ज़मीन पर, वो ज़मीन पर काम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम ये कहना नहीं भूलेंगे कि सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं है, और सरकार की कोशिशें जो हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं।
फैजवत महिला स्व सहायता समूह में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आप देख रहे हैं और इनकी तादाद और भी ज़्यादा है। इसके मायने ये हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही हैं और वही रोज़गार जो है पैदा भी कर रही हैं। बहुत सारे काम ये अलग अलग महिलाएं सीख रही हैं, उनसे ज़रा हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और इन महिलाओं के काम करने से इन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है ये आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी कि ये भविष्य जो है बदल रहे हैं एक नए किरण के साथ, एक नई रोशनी के साथ। आप यूनिफॉर्म में जो इस बच्ची को देख रहे हैं ये बहुत मेहनत का नतीजा है इन लोगों की। आप क्या करते हैं? मशरूम बनाते हैं। मशरूम बनाते हैं, बनाएंगे आप जी? तो उसके लिए पहले सीख रहे हैं आप जी, है ना? जी। और यहाँ पर और क्या क्या काम होते हैं? ईटा और दुकान भी रखी है। आप क्या करते हो? ईट बना रहे हैं। ईट बना रहे हो? कितना टाइम लगता है ईट बनाने में? 5 बजे तक, सुबह से लेके 5 बजे तक जी। कितना बना लेते हो? 700 700 जी, 700 ये बना लेते हैं। तो आपको कुछ पैसा मिलता है? मजदूरी मिलती है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं काम? वो सब एक ही चीज। अच्छा, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? ईट बना रहे हैं। ईट बना रहे हैं। अच्छा, इनको जरा सा आप इधर आइए, हमारी थोड़ी मदद करने मदद करेंगी ये, आप इधर आइए, क्योंकि इन तमाम महिलाओं को समझाना, उन्हें ट्रेनिंग देना या उनको बताना वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ईंट बनाने का ये लोग काम अभी सीख रहे हैं। कुछ सिलाई बुनाई का काम भी होता है जी? सीने का काम होता है इधर जी। और ईंटा बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मजदूरी मिलती है? 700-800 बना रहे हैं। हाँ हाँ, एक दिन से। हाँ हाँ, अब तो अब बेचरी हो गया है, पर भी वहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं तो अब पैसा नहीं मिला है। हाँ हाँ, हम लोग मिक्सर मशीन क्या मसाला बना रहे हैं, हल्दी मिर्चा पिसाई चालू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा इससे अच्छा रहेगा, मतलब दिन भर अपना काम करते रहते हो? हाँ, काम करते रहेंगे। हाँ? तो इसमें कोई मना नहीं करता? तुम्हारा पति मना नहीं करता? कोई नहीं करता। पति क्या करता है? मैं मायके घर में रहती हूँ। अच्छा, तो ये पति सबके क्या करते हैं, वो भी तो मजदूरी करते होंगे? मजदूरी करते हैं, लेकिन महिला करते हैं। स्व सहायता समूह 10 मील के पूरा काम करते हैं। अच्छा, और क्या क्या काम होता है जरा वो बताओ। अभी ईंट का मालूम हो गया, इधर सीने का भी काम होता है, सिलने का भी काम होता है, मसाले का भी काम होता है इधर, और क्या क्या? बल्ब बनाएंगे बोलते हैं। अभी जैसे ईंट बनाने में कितनी महिलाएं होंगी इधर? यहाँ 10 महिला 10 महिलाएं होती हैं जी। अच्छा, और इधर जो और मसाला बनाने के लिए ट्रेनिंग अभी मिलेगी आपको? अभी शुरू नहीं हुआ है? हाँ, बना हो चुका है। हो चुका है? कितनी महिलाएं होंगी उधर? वहाँ 11 हैं। 11 हैं, 3-3 ग्रुप बनाए हैं। अच्छा, तो किस किस गांव से हैं ये लोग, ये आसपास के? पूरा कौनगुड़ का ही है। पूरा कौनगुड़ के जी? कौनगुड़ में 34 समूह है। 34 समूह है, 11 सूत्र का पालन करते हैं सभी। अच्छा, तो ये जब आपसे बात करने के लिए आए ये लोग जिनसे हम अभी बातचीत करेंगे, उन्होंने क्या कहा आपसे, आपको काम करना चाहिए? पहले तो आप खेतों में काम करते होगे ना जी? हाँ, काम करना चाहिए बोल कर। हाँ, तो आपने सोचा काम करना चाहिए जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की है कुछ? जी, पढ़ाई दर्जी करी हूँ। कहाँ, कब तक किया है? नहीं, 2013 में ओपन में 10वीं। 10वीं पास है? दो ओपन में निकाल। अच्छा, और अब आगे करने का क्या है, मतलब सोचा? हाँ, है सोचा है, अब सक्रिय महिला रूप में काम कर रही हूँ कौनगुड़ पंचायत में। अच्छा, इंचार्ज हो तुम जी? नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम है श्रीमती कुंती, समूह का नाम है माँ काली समूह का पुस्तक संचालक हूँ। श्रीमती कुंती मेरे साथ मौजूद हैं और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई भी की है, है ना? बहुत काम करना चाहती हैं। 10वीं तक पढ़कर इन्होंने ये समझा कुंती ने कि क्यों नहीं महिलाएं सशक्त हो सकती हैं, क्यों नहीं महिलाएं काम कर सकती हैं। तो ये तमाम आप महिलाओं को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुंती का भी एक मेहनत का नतीजा है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं और पूरी टीम है इसके पीछे, उस टीम से भी हम बातचीत करेंगे आगे। थैंक यू कुंती, धन्यवाद। तो महिला स्व सहायता समूह का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत दिलचस्प वाली बात आपको बताती हूँ यहाँ पर, कि ये दुकान रखती हैं, मतलब दुकान ये इनकी है, 200-300 रुपये कमा लेती हैं और ये सब्जी बेचती हैं। अगर कैमरे में ये दिखाइए, अपनी शक्ल दिखाइए, सब्जी भी बेचती हैं। और क्या काम करते हो आप? बाजार टिकट काटते हैं। अच्छा, बाजार का ये टिकट भी यही काटती हैं। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कोई आदमी इस तरह का काम नहीं करता है, ये सब बाजार पूरा यही संभाले हुए महिलाएं, मतलब इकोनॉमी जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर है, अगर ये कहना गलत यहाँ पर नहीं होगा। आप क्या करते हो? तो बताइए। अच्छा, ये बताएंगे, आप बताइए क्या करती है ये क्या करती है? ये कुछ नहीं करती। चलो भाई, कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन सीख रहे हैं। अभी कम से कम इन लोगों को ये समझ में आएगा कि औरतें निकलकर काम करना कर रही हैं तो उन्हें करना चाहिए। आप क्या करते हो? हम मसाला बना रहे हैं।
मसाला बना रहे हैं, कितना टाइम लगता है मसाला बनाने में? सुबह से आ जाते हो, खाना वाना पका के आते हो घर में? खाना वगैरह पका के आते हैं। और बच्चे कितने हैं? एक ही है। एक ही है, पूरी जिम्मेदारी है। खाना पका कर फिर इधर आते हो, कितने बजे? 10 बजे तक निकल जाते हैं। 10 बजे तक निकल जाते हो? जी। और शाम कितने बजे तक? 5 बजे तक। 5 बजे तक जी। कितने पैकेट मसाला बना लेते हो? वही जितना भी सही होता है तो 20 क्या पैकेट बना लेते हैं। तो आप पैकेट बनाते हो या मसाला पीसते हो? पीसते हैं या वो पैकेट बनाते हैं? दोनों काम कर रहे हो जी, पैकेट भी बनाते हैं। हाँ, मतलब ये देखिए आपके मल्टीपर्पज, कहना गलत नहीं होगा, दोनों काम ये करते हैं। ये कितने जिम्मेदारी से, बच्चा इनके साथ में रहता है पूरा दिन? बच्चा साथ में रहता है ना? जी सर। जी मैडम, फोन पकड़ते हमें ले जाते हैं साथ में। तो इतनी छोटी सी उम्र में शादी होना, फिर परिवार संभालना, भाई हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है वो। इतनी छोटी सी उम्र में शादी होना, परिवार संभालना, फिर बाहर भी देखना, कामकाज भी करना, यहाँ पर आके सुबह से लेके शाम तक मसाला तैयार करना, पैकेट बनाना। कौन कौन सा मसाला होता है? हल्दी मिर्च होता है जी, हल्दी मिर्चा मसाला। हाँ। सब बनाते हैं। और आपका नाम क्या है? श्रीमती सविता मरापी, समूह का नाम जलबुरी सोसाइटी। नहीं, आपका नाम क्या है? श्रीमती सविता मरापी। सविता जी, श्रीमती सविता है ये। आपके घर में जो भी अब मसाला आएगा, हल्दी धनिया मिर्ची, वो सविता ही बना रही है, ये समझ लीजिए आप। आप क्या करती हैं? मैम, हम लोग ईटा का काम करें और साथ में बल्ब निर्माण करेंगे सोच। अच्छा, ये एलईडी बल्ब भी बनाती हैं, जिसमें ईटे का काम तो करती हैं लेकिन एलईडी बल्ब भी बनाती हैं। तो इसी तरह से आप क्या करती हैं? होटल चलाती हैं। होटल चलाती हैं, कहाँ पे होटल आपका? सामने। ये सामने ही होटल है आपका। क्या मुझे क्या पिलाएंगी या खिलाएंगी? चाय पिलाएंगे ना। चाय? चाय सब खिलाएंगे। अच्छा, और आपका नाम क्या है? राजेश्वरी पटेल। राजेश्वरी, कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? 300-200 कमा लेते हो जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में छह परिवार छह लोग हैं मतलब जी। अच्छा अच्छा, तो ये लोग आप देखिए कि यहाँ पर, ये भी यहाँ पर होटल चलाती हैं और इस तरह से काम करती हैं। मुझे चाय का न्योता भी इन्होंने दे दिया है, मैं जल्दी से चाय भी पीऊँगी। आप क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते, ये अपने माओं के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो ये सब महिलाएँ तारीफ करना पड़ेगी, बहुत मेहनती हैं, बहुत बहुत बड़ा जज्बा है इनके अंदर। ये हैं बस्तरिया महिलाएं, और इनके अंदर जो हिम्मत है, शायद वो हिंदुस्तान में हर महिला के अंदर ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। इन तमाम परिस्थितियों में जूझती हुई, उन चुनौतियों से जूझती हुई ये महिलाएं, और इनसे ज़रूर मैं आपको मिलवाऊंगी। ये हैं बस्तर का फ्यूचर जो आपको दिखाई दे रहा है। नाम क्या है आपका? पता नहीं। एक खासियत यहाँ पे है इस गाँव की कि LED बल्ब बनना सबसे पहले यहाँ शुरू हो रहे हैं, महिला स्व सहायता समूह ने ये शुरू किया है। दूसरा, यूपी बिहार में आपने देखा होगा जब पंचायत चुनाव होते हैं तो वहाँ पर औरत को तो आगे कर देते हैं कि भाई चुनाव यही लड़ेगी पंचायत का, लेकिन मर्द सारा काम करते हैं और वो फिर से रसोई में पाई जाती है। इधर ऐसा नहीं है। ये देखिए, आपका नाम क्या है? श्रीमती प्रेमवती मराती। श्रीमती प्रेमवती हैं ये, सरपंच हैं यहाँ की। अब आप समझिए इस बात को, यहीं से शुरू हो जाता है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो अपना जो आगे जो जीवन है वो बदल रहा है, यहाँ की बदल रही है आबो हवा। क्या आप मदद करती हैं इनकी, किस तरह से? इस मन को देखती हूँ कि कौन किस में चलाती है, कौन क्या कर, किस में कौन समूह क्या धंधा करती है, और किसको मैं को क्या बनाती है उसको भी देखती हूँ। और मैं मशीन भी दिलवाई हूँ, पैसा अच्छा। दिलवाई हूँ तो अच्छा काम करो, मिलजुल कर रहो, किसी से झगड़ा मत हो जाओ बोलती हूँ। तो इन लोगों पे ये दबाव नहीं होता है कि भैया आप काम मत करो इस तरह से या कुछ नहीं है? नहीं, दबाव तो किसी को नहीं डालते हैं हम लोग। नहीं मतलब इनको और कोई नहीं डालता दबाव? क्या मना नहीं करता? नहीं, मना तो कोई नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, और किस तरह की परेशानियां इन लोगों को आती हैं? परिवार भी चलाना है, खाना भी पकाना है, फिर काम भी करना है, परेशानी होती है? परेशान तो होती है, लेकिन परेशान तो करने से ही तो फल मिलती है, बिना परेशान का कहाँ फल मिलेगी। देखिए, वाह भाई वाह, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि परेशानी तो होती है, मतलब जब आपको आगे बढ़ना है अपनी मंजिल की तरफ तो परेशानी थोड़ी बहुत उठानी चाहिए आपको। ये समझ है कि बस्तर में मैं मौजूद हूँ, बस्तर के एक छोटे से गांव में यहाँ पर हूँ, और इस छोटे से गांव में ये महिला कम से कम बहुत दूर तक लोगों को सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दंगल के रंग में मैं एक और चीज़ बहुत स्पेशल लेकर आई हूँ कोंडागांव से, वो ये है
कि ये टूटी हुई स्कूल की इमारत ज़रा देखिए, जर्जर हालत है। अंदर यही आदिवासी औरतें बना रही हैं, इस बिल्डिंग को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी लाइनें आपने देखी होंगी दीवारों पर लिखी हुई हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो आज्ञा पालन करना जानता है वही आज्ञा देना भी जानता है। एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि आप हमें रोक नहीं पाएंगे, हमें शिक्षा मिलेगी, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे। ये सपने संजोए ये तमाम बच्चे आपको इस टूटी हुई स्कूल की इमारत के नीचे नज़र आ रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के रंग हैं। तो ये आप समझिए थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? संजना। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ संजना? दूसरी। दूसरी क्लास में पढ़ती है संजना। और संजना से हम और बात करेंगे, और बच्चे भी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर टूटी हुई इमारत 2007 में ब्लास्ट करके उड़ाई गई थी। ये उन्होंने नक्सलियों ने चुनौती दी थी कि अब कोई इमारत स्कूल की बनेगी नहीं, शिक्षा इन बच्चों को मिलेगी नहीं। लेकिन ये बच्चे देखिए आप कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए आपको ये लाइन से ये देखिए, इसके पास ही एक आश्रम है, यहाँ पर ये लोग पढ़ते हैं, और जब स्कूल तैयार कर लेंगी वो तमाम महिलाएं, तो उस स्कूल में एक बार फिर से यही बच्चे नज़र आएंगे। नमस्ते। कौन सी क्लास में? 12 क्लास में पढ़ता हूँ मैं। 12 क्लास से पढ़ते हैं, कहाँ से आते हैं? पोलपा पारा से। कितना दूर होगा? 3 किलोमीटर। तो आप इधर ही आश्रम में रहते हो? नहीं, आते हो 3 किलोमीटर दूर? जी, 3 किलोमीटर दूर आना आप सोचिए। रोज सुबह आते हैं, फिर शाम को ये जाते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? 10 क्लास में। 10 क्लास में हो जी। नाम क्या आपका? श्यामलाल। अच्छा श्यामलाल, और तुम कहाँ से आते हो? तुम सेम गांव से हो? जी। एक ही गांव से हो? नहीं, कोनगुड़ से हूँ। कोनगुड़ से हो, मतलब तुम यहीं से हो? तो कोंडा गांव में कोनगुड़ है, यहीं पर ये यहीं से हैं, तो इन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती है। अच्छा आप कौन सी क्लास में हैं? 12 क्लास में हूँ। 12 क्लास में। अब मैं एक बात जानना चाहती हूँ आप लोगों से, प्रार्थना तो आप लोग करते होंगे ना स्कूल में, आप ये टूटी हुई बिल्डिंग को देखकर आपको क्या लगता है? आप टूटी हुई बिल्डिंग को देखकर आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल की बिल्डिंग थी ये, इसको उड़ा दिया था, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या बताने की कोशिश? आप बताओ, आप खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर बिल्डिंग अच्छा होता तो बहुत कुछ करते, हमारे छोटे भाई लोग भी आगे बढ़ने का कोशिश करते कि स्कूल भवन नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई भी स्कूल नहीं टूटना चाहिए ना, ये मानते हो सब लोग? Yes, सब लोग मानते हो ना? Yes, पढ़ना चाहिए ना? जी, है ना? जी, तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो? जी, तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो? ऐसी खेती बाड़ी करोगी या फिर डॉक्टर, या क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहती हो तुम? डॉक्टर। सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर कौन पुलिस वाला बनेगा? यहाँ आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनना चाहते हैं। अब ये पुलिस बनना चाहती हैं। महिला स्व सहायता समूह का जो हमने आपको बताया था कि ईंटा ये लोग बनाते हैं, तो ईंटा बनाना पहले इन्होंने सीखा, अब ये ईंट बना रहे हैं। जरा अब देखते हैं कि ईंट कैसे बनती है। जी, इसके नीचे पहले आपने ये क्या डाला? हाँ, ये देखिए, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर, कोई आसान नहीं है। तो ये ईंट बनकर तैयार है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ईंट बनती है। मशीन बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी मशीन है ये। हाँ, ईंट बनने का इतना आसान नहीं है, ईंट बनना हमने कोशिश की है, बहुत आसान नहीं होता, 2-3 महिलाएं इसमें, 4 महिलाएं इसमें लगती हैं। इन्होंने जो ईंट तैयार की है इससे इस स्कूल की नींव बनेगी, और ये नींव इतनी मजबूत होगी कि कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। डालिए मिट्टी, सबसे पहले इसमें ये मिट्टी है ना, प्लाईस है, प्लाईस 6 घमेला डालते हैं, रेती 4 घमेला, सीमेंट 1 घमेला। अच्छा, अच्छा। ये मुनादी बजना शुरू हो चुकी है यहाँ पर, ये मुनादी बज रही है, और ये तमाम पूरे गांव के लोग जमा हो चुके हैं। ये है घोटुल, जिस परंपरा की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये घोटुल है। अब इसमें वो लड़के लड़कियाँ, वो युवा युवती आएंगे, इसमें वेलोसा और दिलोसा, यानी कि लड़का और लड़की, यहाँ की भाषा में अगर मैं कहूँ, यहाँ की बोली में बोलूँ,
अब वो परंपरा शुरू होगी। तो चलिए आइए आप लोग शुरुआत करते हैं और जरा दिखाते हैं घोटुल परंपरा इन आदिवासियों की। अब ये घोटुल परंपरा शुरू हो जाएगी यहाँ से कि क्या है ये घोटुल। संजीव जरा एक मिनट चाहेंगे आपसे कि आप आए। ये घोटुल है, अब ये इसके अंदर लोग जाना शुरू हो जाएंगे ना। हाँ चलिए, अब इसके बाद ये तमाम चीजें शुरू होंगी। मांझी इसमें मौजूद रहेंगे ना। मांझी जी, मांझी आप बताओ अब क्या इसके आगे क्या। अभी ढोल बजा है तो सब गांव वाले इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने के बाद कोई भी चर्चा यहाँ चलेगा। अच्छा चर्चा कैसे चलेगी दिखाओ, मैं चलो बैठ के चर्चा करते हैं। अब मांझी यहाँ पर मौजूद हैं घोटुल में, ये तमाम युवा युवती आ चुकी हैं बेलोसा और डलोसा। अब ये शुरू होगा, मांझी अब क्या आगे क्या बताएं। अब आगे यहाँ जो शादी बर बिहाव होता है तो सबसे ज्यादा पहले घोटुल में आते हैं, घोटुल में बताते हैं कि दुलोसा बेलोसा जोड़िया मांझी कोटवार होते हैं। अच्छा, उनको बताने से ये लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, पान दत्तून से लेकर पूरे व्यवस्था लेके व्रत जाने का भी। हाँ। तो घोटुल में पहले मीटिंग बैठते हैं, लाई चना यही दे देते हैं। तो ये अब ये युवतियों को पसंद करेंगे। हाँ, बेलोसा पसंद करेगा अब। हाँ, तो आप लोगों को किसी की शादी नहीं हुई है क्या? नहीं हुई है शादी। खैर, जो हमारी जो देलोसा है यानी कि जो युवतियां हैं शर्मा रही हैं। सही बात है भाई, दुल्हन है एक तरीके से अगर देखा जाए। इनको देखने बेलोसा बैठे हुए हैं, बेलोसा को देख लीजिए आप, यहाँ बैठे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ। अब मांझी यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो परंपरा, और उस परंपरा की शुरुआत मांझी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुखिया हैं, और यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे, तो अभी चर्चा कैसी होती क्या होता है, मांझी शुरू करिए आप। चर्चा यहाँ शुरू होता है कि मांझी कोटवार दुलोसा बेलोसा रहते हैं। हाँ। उसमें यहाँ आने से पहले भेंट करते हैं, जोहर करते हैं। हाँ। जोहर की चलो जोहर की। हाँ। ऐसे ये देखिए, ये हाथ मिलाया जाता है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो ये जोहर से कहते हैं, जोहर है? जोहर। अच्छा, जोहर जोड़िया, जोहर कोटवार, जोहर मांझी, जोहर बेलोसा। हाँ हाँ, जोहर। आगे क्या मांझी, अब क्या होगा? आगे फिर वही लकड़ी लाते हैं छोटे लोग, उसके बाद कोई भी फैसला होता है वही जाते हैं, बाकी वही चर्चा करते हैं। मतलब अगर इसको ये कोई पसंद आ गया तो ये क्या करेगा फिर? तो बताएगा। हाँ, माँ बाप को बताएगा, माँ बाप को बताएगा कि वहाँ के लड़की को मैं पसंद किया हूँ। अच्छा, आप महला जाओ। हाँ हाँ, तो उसका पिताजी को मामा को लेके वो महला जाएगा। अच्छा अच्छा, मंदिर के। अच्छा, महला सब कूर बांधेगा तो घोटुल में आके बताएगा कि इस फलाना दिन शादी पकड़ाया हूँ। हाँ, हाँ। उस दिन तैयारी के साथ जाना है करके। तो अब ये घोटुल मतलब ये है। हाँ। अच्छा, तो घोटुल इसलिए काफी अहमियत रखता है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर अगर लड़का लड़की पसंद करेंगे एक दूसरे को तो आके घोटुल में बताएंगे, यही ना। हाँ, हमने आपको बताया घोटुल परंपरा के बारे में, घोटुल की अहमियत के बारे में, कि जो डिसीजन लेने होते हैं, जो फैसले लेने होते हैं अगर किसी को शादी करनी है युवा युवती को, तो वो घोटुल में ही बताते हैं, और घोटुल में होता है मांझी, और मांझी से पूछे बगैर कोई भी काम गांव में नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो घोटुल परंपरा है ये खत्म होती जा रही है, यूँ कहें कि बस कुछ ही गाँव में ये सीमित रह गई है। तो इसको बचाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके यहाँ बिजली नहीं है, फ़ोन नहीं है और ऐसी ताम झाम नहीं है शहरों की तरह, लेकिन घोटुल है। घोटुल ऐसी जगह है जहाँ पे आप समस्या लेकर पहुँच सकते हैं, अपनी खुशी में भी और अपने गम में भी। आपने इनविटेशन कार्ड बहुत सारे देखे होंगे और इनविटेशन कार्ड के साथ साथ आपको मेवे और इस तरह की चीज़ें भी आपके घरों में आती हैं, यानी कि बहुत खर्च होता है, करोड़ों रुपये का खर्च होता है। बस्तर में कोंडा गांव के कोनगुड़ा गांव में मैं आई हूँ यहाँ पर, और दीवारों पे ये इनविटेशन मैंने देखा है तो मैं हैरत में पड़ गई। इनविटेशन देखिए पहले, तो ये इनविटेशन है प्रताप राम की, नाम नीचे लिखा है युवा युवती का जिसकी शादी है, शुभ विवाह लिखा हुआ है, मया के बंगना लिखा हुआ है यहाँ पर,
और यहाँ पर परिवार आपका हार्दिक स्वागत करती है। इसका मतलब ये हो चुका है यहाँ शादी है और पूरा गांव आमंत्रित है, किसी को इनविटेशन नहीं जाता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, ये दीवार पे ये लोग लिख देते हैं और इसी तरह से गांव के लोग आते हैं, खाने पीने की कुछ कुछ चीज़ें भी साथ में लाते हैं और इन लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये परंपरा से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो लोग कितनी मदद करते हैं उस घर में जहाँ पर शादी हो रही होती है, चाहे वो युवा की हो या युवती की हो, लेकिन वो शादी हो रही है, सामान भी लाते हैं और खाने पीने का चीज़ें भी लेकर आते हैं। तो ये आप देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमें इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से शायद बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अपनायत की ज़रूरत है कि हम लोग इनसे सीखें कि अपनायत क्या होती है, कहना नहीं पड़ता है लोगों को। तो ये दंगल के रंग थे और मैं हुमरा आलम समय के लिए कोडागांव के कोनगुड़ा से।